दीजिए आज का टॉपिक आपके बीच में बात कर सकूं, वह है यह। जी, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर लिखा है वैश्विक महामारी, जिसको कहते हैं विश्व में फैला, टोटल पृथ्वी पे फैला एक ऐसी महामारी जिसको कहते हैं COVID-19, जिसको कहते हैं कोरोना वायरस, और जिसको लिखा है वैश्विक महामारी, एक ऐसा पैंडेमिक जिसको लेकर छोटे तबके का, बड़े तबके का, सरकार या प्रजा, नेता या अभिनेता, रोडपति या करोड़पति, एक एक व्यक्ति इससे डरा हुआ है या इसे जूझ रहा है, और जिसके चलते लिखा है वैश्विक महामारी का डर। ये जो शब्द है मैंने इसको ब्रैकेट किया है, आप देख सकते हैं डर। कुछ प्रचारक बीच में कुछ महीनों से एक प्रचार कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि मत डरो मत डरो मत डरो। किससे? इस महामारी से। एक तरफा का सच है वो। जी, आपने ठीक सुना, एक तरफा का सच है वो। दूसरी तरफ का सच आपके बीच में रखूंगा, साथ ही साथ सरकार या गैर मसीह समाज, देश या विदेश, इस विषय को लेकर जिसको कहते हैं महामारी, बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारा एजुकेशन, बहुत सारी जानकारी पब्लिक को दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज करने का, मास्क पहनने का, वो भी डबल, और साथ ही साथ ये भी सिखा रही है कि क्या पीना है, कैसे रहना है, वैक्सीन कब लगाना है, और न जाने कितनी सारी बातें, और जिसके चलते लिखा है वैश्विक महामारी का डर। डर, डर, ये जो शब्द है डर, मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा। तो लिखा है दो तरह का डर। मैंने आपको जैसे अभी कहा कि कुछ महीनों से कुछ प्रचारक यह प्रचार कर रहे हैं कि मत डरो मत डरो, लेकिन मैंने जैसे कहा ना, यह सिर्फ एक तरफा का सच है, दूसरी तरफ का सच रखने जा रहा हूं। तो लिखा है दो तरह का डर। एक, जी हां, आपके बीच में रख रहा हूं। ओ, इसको क्या हो गया, एक सेकंड दीजिए। वंडरफुल जीसस। या ऐसा क्यों होता है? किसने शेयर किया? या एक सेकंड दीजिए दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब तैयार हो जाएं और बिल्कुल मजबूती रखें। हम सब टेक्नोलॉजी पे डेवलप डिपेंड हैं इन दिनों में, क्योंकि जो है चर्चस बंद है। जी आ गया। तो जिस विषय पे बात कर रहा था, दो तरह का डर, तो जिसको कुछ प्रचारक प्रचार कर रहे हैं कि मत डरो, तो मैं वापस कहता हूं एक तरफा का सच है, दूसरी तरफ का सच रखने जा रहा हूं, या दूसरा तरफ का बात रखने जा रहा हूं। तो लिखा है दो तरह का डर। एक है डरो। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक है डरो, दूसरा है मत डरो। इस दोनों पे आज बात करूंगा। तो जितने फेसबुक, यूट्यूब और जूम पे, मुझे लगता है कि कम से कम 1200 के आसपास अभी लोग जुड़ चुके हैं, इन सभी को कहना चाहता हूं बहुत ध्यान से आज का टॉपिक, आज का विषय को सुनिएगा। और जितने फेसबुक पे, एक ही रिक्वेस्ट है, चुपचाप आप बैठे मत रहिए, आपका उंगली, आपका हाथ चलता रहे, टिक टिक करना, या फिर मैसेजेस करना, या फिर शेयर करना, वॉच पार्टी करना, या करते रहे, क्योंकि ये मैसेज संसार में पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। कम से कम 1300 लोग, अभी 1300 लोग मुझे देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आज विषय मैंने रखा है, वहां है वैश्विक महामारी का डर, और लिखा है दो तरह का डर। एक है, लिखा है डरो, और दूसरा लिखा है मत डरो। दिख रहा है वहां पे? दिख रहा है? जी, वापस आते हैं। एक है डरो, और दूसरा है मत डरो। ये दोनों भी सच है,
और ये कैसे हैं मैं रख रहा हूं। तो सबसे पहले ये चित्र देख लीजिएगा, लिखा है अगर पाप आपके जीवन में है, अगर पाप आपके जीवन में है तो डरो। जी रिपीट करता हूं, अगर पाप आपके जीवन में है तो डरो, लिखा है डरो। दूसरा, अगर पाप आपके जीवन में नहीं है तो मत डरो, मत डरो। लेकिन सभी जानते हैं कि मुसीबत आज क्या है, वो चाहे मसीह समाज का व्यक्ति हो या मसीह समाज के बाहर का व्यक्ति हो, आप सभी जानते हैं कि ये जो पाप है, जी आप देख रहे हैं ये जो पाप है, ये किसी के जीवन से अछूता नहीं है। इस पाप ने सबको पकड़ के रखा है, वो मसीह हो या गैर मसीह हो। जी जिसके चलते ये टॉपिक आज आपके बीच में बात कर रहा हूं, दो तरह का डर, दो तरह का डर, टू काइंड्स ऑफ फियर, दो तरह का डर। एक है डरो और दूसरा है मत डरो। क्यों डरना है पास्टर डैनियल? लिखा है अगर पाप आपके जीवन में है तो डरो, शब्द है डरो। मैं वापस कहता हूं डरो, अगर पाप आपके जीवन में नहीं है तो मत डरो, मत डरो। यहां पे ये दो बातें क्यों, आपको समझना होगा। कुछ बातें आज आपके बीच में रखूंगा। जी आपको समझना होगा कि परमेश्वर का एक सिस्टम है, आप देख लीजिए लिखा है यहां पे, परमेश्वर का एक सिस्टम है, पीछे परमेश्वर का एक सिस्टम है। और वो सिस्टम क्या है मैं रखने जा रहा हूं, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, सब उपदेशक उसका 10:8, मत्ती की किताब उसका 12:45 और यूहन्ना की किताब उसका 5:14, ये टोटल 4 वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो फिर पूछूंगा, जी हां फिर पूछूंगा कि आप तैयार हैं जिस विषय पे बात कर रहा हूं कि इस महामारी में जहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जहां चारों तरफ खेओस है, जहां चारों तरफ डर का माहौल है, जहां चारों तरफ लोग थक चुके हैं, मौतें हो रही हैं, मैयत हो रही है, वो चाहे क्रिश्चियंस की ग्रेवयार्ड हो या हिंदुओं का जहां जलाते हैं वो जगह हो या मुसलमानों का कब्र हो, चारों तरफ देश और विदेश में आज ऐसी एक हालत है जिसको कहते हैं मौत, मौत, मौत। एक वक्त था सांप, कोई नहीं डरता था किसी से। एक वक्त था अगर कहीं पे किसी को चोट तक लग जाए तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। आज मुसीबत ऐसी है कि मैयत पे मैयत हो रही है, आम हो गया है, मौत हो रही है सड़क पे, घर पे, मोहल्ले में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में, मौत, मौत, मौत। तो ये दो बातें क्यों, कौन सी दो बातें जो अभी जुड़े हैं उनको वापस से बता देता हूं, कौन सी दो बातें। जी हां ये दो बातें, लिखा है एक डरो, दूसरा है मत डरो। अगर पाप आपके जीवन में है, पाप अगर आपके जीवन में है तो डरो, लिखा है डरो, क्योंकि आपको डर होना जरूरी है उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का जिसकी मैं अभी बात करूंगा। दूसरा कहता है अगर पाप आपके जीवन में नहीं है तो मत डरो, मत डरो। मैं कह रहा हूं मत डरो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी ओर है। और अगर परमेश्वर आपकी ओर है, आपको 17 बातें रोमियों की किताब उसका 8 अध्याय वचन 31 से लेकर लिखा है, कम से कम 17 बातें पृथ्वी पर आपको छू नहीं सकती, उसमें मृत्यु एक है, उसमें मृत्यु एक है। तो ये दो बातें क्यों पास्टर डैनियल, ये दो बातें क्यों, आपको समझना होगा कि परमेश्वर का एक सिस्टम है। और सिस्टम क्या है, इन वचनों के हिसाब से बात करूंगा, इन वचनों के हिसाब से। और वापस कहता हूं, मैं जब इस स्लाइड्स को तैयार कर रहा था, मैं जब इन बातों को तैयार कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु मेरी तरह वो लोग कहां हैं, ऐसे प्रचारक और कहां हैं जो तेरे बीच में, मनुष्य और तेरे बीच में गैप में खड़े रहे, जिसका जिक्र मैंने किया था भारत के प्रार्थना के विषय पे, वो लोग कहां हैं। और ऐसी बातें डैनियल राज के अलावा क्या और भी कोई कर रहा है?
अगर कर रहा है उसको सैल्यूट है, लेकिन मैं देखना चाहता, नहीं तो बकवास वाले बहुत सारे प्रचारक हैं आज दुनिया में जो बहुत सारी बातें कह रहे हैं और एक तरफा का सच बता रहे, दूसरा तरफा का नहीं। लेकिन आज आपके बीच में ये दो बातें क्यों, एक लिखा है डरो, दूसरा कहता है मत डरो, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला सिस्टम क्या है, पास्टर डैनियल उत्पत्ति की किताब उसका 2:17 कहता है, पर भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और उसी का 3:3 कहता है उत्पत्ति जेनेसिस 3:3 जेनेसिस 2:17 कहता है 3:3 में, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसका फल खाना, ना तो उसको खाना, ना तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये सिस्टम है परमेश्वर का, ये परमेश्वर ने तय करा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी आदिवासी जैन हिंदू, आप जिस किसी भी धर्म कौम जाति से आते हैं, ऊपर बैठा सृष्टि करता परमेश्वर जिसको कहते हैं एलोहिम पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसको कहते हैं यहोवा, जिसने परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा है एदोनाई परमेश्वर द ऑलमाइटी गॉड, कुरान उसको अल्लाह कहती है, और इनकी जो भगवद गीता रामायण या फिर ऋग्वेद ऋग्वेद या जितने भी पवित्र पुस्तक और बाइबल जिसको कहती है एक परमेश्वर ऊपर वाला, उस सृष्टिकर्ता ने इस पृथ्वी पे एक सिस्टम रखा है कि जिस दिन तुम आज्ञा तोड़ोगे मर जाओगे, जिस दिन तुम पाप करोगे मर जाओगे, जिस दिन तुम मेरे खिलाफ जाओगे मर जाओगे। और इसी सब उपदेशक उसका 10:8 द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10:8 कहता है जो बाड़ा तोड़े, बाड़ा का मतलब है सुरक्षा कवच, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन वॉल, जिसको कहते हैं जहां परमेश्वर ने रखा है यीशु का लहू का बाड़ा आज की तारीख में, परमेश्वर की व्यवस्था का बाड़ा तब की तारीख में, और वो हर इंसान जो यीशु को नहीं भी जानता है लेकिन उसके अंदर रोमियो की किताब फैला दिया है, लिखता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने कॉन्शियस रखा है जिसको कहते हैं जमीर, जिसको कहते हैं जमीर, गलत करोगे तो सजा मिलेगी वो डर का जमीर, पाप करोगे तो तुमको मौत मिलेगी वो डर का जमीर, तुम किसी के पैसे की लालच करोगे तो तुमको ऊपर वाला सजा देगा उसका जमीर का डर। ऐसी बातों के साथ कहता है कि जो बाड़ा तोड़े, देखो क्या लिखा है, उसको सांप डसेगा, उसको सांप डसेगा, सर्प डसेगा। ऐसा कौन सा सर्प है जिसको प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है ये वही पुराना सांप है जिसको इबलीस कहते हैं, जिसको लूसीफर, इबलीस, इबलीस से लूसीफर आप समझ रहे होंगे, जिसको कहते हैं शैतान, सैतन। कहता है कि जिस दिन तुम भाड़ा तोड़ोगे तुमको सांप डसेगा, डसने का मतलब समझते हैं तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह है सिस्टम, ये है सिस्टम। अब इसको देखे मत्ती की किताब उसका 12:45 यीशु किसी से बात कर रहे थे इसी पृथ्वी पे आज से 2000 साल पहले, बात करते करते कुछ शास्त्री फरसी वहां आए, कुछ विषय पे चर्चा हुई और वो विषय बहुत गंभीर था, तब यीशु ने ये शब्द कहा, किसके लिए, पूरी दुनिया के लिए, आइए देखते क्या कहा। यीशु ने कहा जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो फिरती रहती है और जब उसको पता चलता है जगह नहीं मिलती तो वो लौट कर आती है और तब जाकर अपने से बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें पैंट कर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। लिखा है इस युग के बुरे लोगों की, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। इसका कनेक्शन क्या है, जिस दिन लूसीफर दुष्टात्माएं किसी मनुष्य को छोड़कर चली जाती हैं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अविश्वासी का तो बेड़ा गर्क है, विश्वासियों की भी बात कर रहा हूं, कि कहता है यीशु मसीह अगर तुमने अपना पाप का जीवन से बाहर नहीं निकले तो कहता है कि तुमको ऐसी हालत कर देगा, क्योंकि वो एक नहीं सात ले आएंगे और आठ हो जाएंगे, आठ जिसको कहते हैं इस युग के बुरे लोगों की दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी, इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी, सत्यानाश हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि लूसीफर, पहला पत्रस 5:7-8 कहता है, पत्रस कहता है वो गरजने वाले शेर की नाई है किसको फाड़ खाएगा। यह है शैतान, यह है उसकी ताकत, यह है उसकी चाल जिसके चलते वो लाता है मृत्यु।
अब इसको देखिए दोस्तों, यीशु के पास में एक व्यक्ति आया था, या यीशु उसके पास गए थे यूहन्ना के पांचवें अध्याय में। उस व्यक्ति को 38 साल से पैर में तकलीफ थी, चल नहीं सकता था। यीशु ने उसको ठीक किया, लेकिन वचन 14 क्या कहता देखो, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। जिस 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने ठीक किया था, उसको दोबारा मिलकर यीशु वार्न करता है, चेतावनी देता है और कहता है फिर से पाप मत करना। लिखा है नहीं तो ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा क्यों? वो भी यीशु के टाइम पे। ऐसा क्यों? वो भी अनुग्रह के युग में। ऐसा क्यों? और कितनी चेतावनी बाकी बाइबलों में, मैं उसको अगर रखूंगा तो मैं समझता हूं कि कम से कम 2-3 घंटे मुझे लग जाएंगे उसको प्रचार करने में। ये वार्निंग क्यों पास्टर डेनियल? ये बातें क्यों? ये चेतावनी क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि अगर ये पाप का जीवन से बाहर नहीं निकले तो मेरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम के दायरे में ये लोग अगर बाहर चले गए तो इनको सांप डसेगा, तो वापस रखता हूं, रख रहा हूं। लिखा है कि अगर फल खाएगा तो मर जाएगा। परमेश्वर ने ये सिस्टम बनाया था कि जिस दिन तुम आज्ञा को तोड़ोगे तुमको शैतान जो है मार देगा, भाड़ा तोड़ेगा, सर्प डसेगा। और लिखता है यहां पर कि परमेश्वर कहता है जब दुष्टात्मा वापस लौट कर आती है, इस युग की बुरी हालत हो जाती है, इस युग की बुरी हालत हो जाती है, और जिसके चलते इसको कहता है ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा क्यों? वापस कहता हूं, मुझे किसी ने बीच में कहा था, मुंबई के कुछ और महाराष्ट्र के कुछ पास्टर्स मिलकर, उसमें से एक आधा ने कॉल किया था पिछले साल जब वायरस फैल रहा था, कोरोना वायरस 2020 में, जी हाँ पिछले साल, तो मैंने एक प्रचार किया था कि 4 कारणों से ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से। तो वो कुछ पास्टर्स लोग मिलकर कह रहे थे आपने ऐसा कैसा प्रचार कर दिया कि ये परमेश्वर की ओर से है। अब उन सबको मैं एक साथ अभी मिल नहीं रहे हैं। उनको पूछना चाहूंगा कि अगर शैतान की ओर से है तो तुम्हारी प्रार्थना ने इसको अभी तक रोक क्यों नहीं दिया? तुम सब ने मिलकर उपवास प्रार्थना कर, और वो जो तुम्हारी भाषा है ना जिब्रिश, अन्य भाषा, उसमें कर करके तुमने रोक क्यों नहीं दिया और ये रुक क्यों नहीं गया? हद होती है साहब। तो कहते हैं ये शैतान की ओर से, तो सिस्टम फिर ये कहां गया? तो यीशु कहता है पाप मत कर, नहीं तो इससे कोई भारी विपत्ति आ जाएगी। तो यह किसका सिस्टम है? यह किसका सिस्टम है? क्या लूसीफर का सिस्टम है? वापस से कह दू, बीच में मैंने प्रचार किया था कि मृत्यु ये शैतान ने नहीं लाया, मृत्यु ये परमेश्वर ने सिस्टम रखा है। गलत करोगे सजा मिलेगी, गलत करोगे पाप में पड़ोगे, तो पाप का परिणाम मैं रखूंगा भी। मृत्यु, और रोमियो की किताब पहला अध्याय दूसरा अध्याय लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मौत है। पाप को ताकत कौन देता है? मृत्यु को ताकत कौन देता है? माफ करें, पाप को ताकत कौन देता है? व्यवस्था। तो व्यवस्था ताकत देती है पाप को, पाप ताकत देता है मृत्यु को, और मृत्यु राज्य करती है। इसके बावजूद कि यीशु क्रूस पे मरा, कोई दो राय नहीं है, यीशु क्रूस पे मरा, ये सच है, लेकिन यीशु कहता है नहीं करना वापस पाप, नहीं तोड़ना बाड़ा, नहीं इजाजत देना दुष्टात्मा को, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, और फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो वापस कोई दूसरी विपत्ति आएगी। वाह, क्या पास्टर डैनियल परमेश्वर पक्षपाती है? क्योंकि रोमियो की किताब उसका 2:11 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वो चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, गलती की सजा एक ही है और वो है मृत्यु। मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं तो क्या हुआ, मैं बहुत बड़ा बिशप हूं तो क्या हुआ, मैं बहुत बड़ा रेवरेंड हूं तो क्या हुआ, मैं बहुत बड़ा अपोस्टल हूं तो क्या हुआ? वचन कहता है परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अब इसको देखो, प्रेरितों का 10:35 कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरना हर जाति में जो उससे डरता है, उस धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। जो डरता है और जो धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। बताइए, तो फिर से कह रहा हूं, जितने लोग
अभी कितने लोग है बताते रहो, जितने लोग अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, कम से कम 1500 के ऊपर, आप सभी को कहना चाहता हूं जो जो इस वक्त में देख रहा है इस वायरस से, हिंदुओं मुसलमानों बुद्धिस्टों आदिवासियों यहूदियों पारसियों, आप जितने भी जैन धर्म के, आप किसी भी उच्च नीच जाति के लोग हैं, आप सभी को ऊपर बैठा ऊपर वाला जिसको कुरान कहती है अल्लाह, जिसको ऋग्वेद कुरान भगवत गीता या फिर तुम्हारी रामायण या फिर जितने भी पवित्र शास्त्र इवन बाइबल जिसको कहते हैं ऊपर वाला जो कि एक है, जिसको हम कहते हैं यशु, जिसको हम कहते हैं एलोहिम, जिसको हम कहते हैं यहोवा, वो ऊपर बैठा, उसने एक सिस्टम रखा है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, ये पृथ्वी उसकी है। बहस का विषय अलग है, बहस करना है फिर कभी करो, लेकिन सच तो सच है, अंकल बहुत होते हैं बच्चे के लेकिन बाप एक ही होता है, यस और नो। अंकल बहुत होते हैं, अंकल बहुत होते हैं, चाचा बहुत होते हैं लेकिन बाप एक ही होता है, और ऊपर बैठा बाप एक ही है, ऊपर बैठा बाप एक ही है इस पृथ्वी पे, वो कभी 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 पाप बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वापस थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं ताकि आपको फिर से समझा सकूं और फिर उसके बाद अपने असली मुद्दे पे आने वाला हूं। जी आप देख सकते हैं विश्व वैश्विक महामारी का डर, जो कि दो तरह का डर, एक लिखा है डरो, दूसरा कहता है मत डरो, ये दोनों प्रचार कर रहा हूं आज, एक डरो दूसरा मत डरो। पास्टर डैनियल क्यों डरे, क्योंकि अगर पाप आपके जीवन में है तो लिखा है डरो, दूसरा कहता है पाप आपके जीवन में नहीं है तो मत डरो, मत डरो। ये दो बातें क्यों आपको बता चुका हूं ये चार वचनों से जो आपके बीच में रखा है, कि एक सिस्टम है परमेश्वर का, उस सिस्टम के चलते परमेश्वर कहता है ये मेरा सिस्टम है, मैं सिस्टम के बाहर काम नहीं कर सकता। जब तक तुम पानी पियोगे तुम जिंदा रहोगे क्योंकि तुमको प्यास लगती है, जब तक खाना खाओगे तुम जिंदा रहोगे क्योंकि तुमको भूख लगती है, जब तक तुम्हारे सर पे छत है तुम सुरक्षित रहोगे, जब तक तुम पृथ्वी पे खड़े हो तब तक तुम जिंदा हो, अगर कूद गए तो खत्म। यही सिस्टम है दुनिया का, यही सिस्टम है ऊपर बैठा परमेश्वर का, और जिसके चलते परमेश्वर कहता है मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, वो चाहे मसीह समाज हो या गैर मसीह समाज, वो चाहे यीशु वाले हो या गैर यीशु वाले, लिखता है मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, मैं सबको बचाऊंगा अगर वो डरता है तो, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो अगर सच्चा काम करता है तो वो बचेगा। ये सिस्टम है अभी भी विश्वासी के लिए और अविश्वासी के लिए। कैसे बोल सकते हैं जो उद्धार पाता है वो सुरक्षित है, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लाइसेंस मिल गया है यीशु को रखकर पाप का जीवन जीने का, उसको लाइसेंस नहीं मिला है, यस और नो। जी कुछ चित्र रख रहा हूं तब तक, और साथ ही साथ नाम रख रहा हूं, आप इसको देखिएगा और आपको अंदाजा लग गया होगा कि अब मैं यहां से कहां जाऊंगा। जी ये जो शब्द लिखा है सदोम और अमोरा, सदोम और अमोरा, एक ऐसा दो देश, एक ऐसा दो शहर या एक ऐसा दो नगर जिसमें पाप भयंकर था, पाप भयंकर था। जी आप फोटो देख सकते हैं, और विशेष करके यहां पे चार लोग हैं, एक है लूत, एक है उसकी पत्नी, और वहां पे देख सकते हैं उसकी दो बेटियां। इसकी कहानी फिर कभी बताऊंगा, या आप लोग जानते भी होंगे तो उसका कोई विषय नहीं है, लेकिन ये शहर जिसको कहते हैं सदोम और अमोरा, सदोम और अमोरा, इस शहर में ऐसे पाप थे, यीशु को जानने वाले भी मतलब परमेश्वर को जानने वाले भी और परमेश्वर को नहीं जानने वाले, जो यहां पे मूर्ति पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे, कुत्ते बिल्ली चूहा बंदर हाथी ऐसों की पूजा करते थे, इसराइलियों में मेंढक की पूजा करने वाले, सृष्टि की पूजा करने वाले, सूरज और चांद और तारों की, नक्षत्रों की, ग्रहों की पूजा करने वाले, पेड़ पत्थर प्लास्टिक लकड़ी सोना चांदी की पूजा करने वाले यहां पे थे, और परमेश्वर ने कहा क्योंकि ये भटक गए हैं, क्योंकि ये भटक गए हैं और जैसा इनको ठीक लग रहा है, इनके बीच में लड़का लड़का शादी करते थे, यहां की बात कर रहा हूं जो आज भी चलता है, इनके बीच में लड़की लड़की शादी करते थे, इनके बीच में पुरुष और जानवरों के बीच में अनैतिक संबंध थे, और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी को नाश करने का वक्त
उत्पत्ति 18वें अध्याय और 19वें अध्याय आपको याद आ गया होगा, मेरा सामने इनको नाश करने का वक्त आ गया है, और जिसके चलते शहर सदोम और गोमरा। हिस्ट्री चेक करो, मुसलमानों, हिंदुओं और जितने भी धर्म के लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, आपको ज्यादा बाइबल पढ़ने की इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ विकिपीडिया गूगल पे जाइए, टाइप करिए ये वाला नाम, आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्यों परमेश्वर ने शहर को नाश किया था, आपको पता चल जाएगा। तब जाकर यह प्रश्न मैंने लिखा है, क्या संसार और मसीह समाज आज सदोम और अमोरा बन चुका है? यह प्रश्न मैंने डाला था फेसबुक के ऊपर, मैंने यह डाला था यूट्यूब पर, और जितने व्हाट्सएप पर हमारी टीम है उनमें मैंने डाला था। यस और नो, प्रश्न है क्या संसार आज, क्या संसार और मसीह समाज आज सदोम और अमोरा बन चुका है? जैसे यहां चलता था आज वैसे महाराष्ट्र में चल रहा है? क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां चल रहा था सदोम और गमोरा में, वैसे भारत के 29 राज्य में, अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज कंट्री, और फिर उसके अलावा जिसको कहते हैं कलीसिया, जिसको कहते हैं अकलीसिया, जिसको कहते हैं चर्च, क्या यहां चल रहा है? और ऊपर बैठा परमेश्वर इन बातों को जब बर्दाश्त नहीं कर सका, यह शहर जिसको कहते हैं सदोम और गमोरा, लिखा है आग डालकर खत्म कर दिया। तो जैसे था परमेश्वर ने बर्दाश्त नहीं किया, आज कैसे बर्दाश्त कर लेगा दोस्तों? आज कैसे बर्दाश्त कर लेगा? सोचिए, जिसको तुमने लकड़ी पत्थर ईश्वर बना दिया, ऊपर बैठा परमेश्वर जो लकड़ी पत्थर नहीं है, वो उसको कितना गुस्सा आएगा? तुमने जानवर को, तुमने पक्षियों को, तुमने रेंगने वाले जंतुओं को ईश्वर का दर्जा दे दिया, ऊपर बैठा परमेश्वर को कितना गुस्सा आएगा? वो तो ठीक है, लेकिन मसीह लोगों ने भी, मैं रखूंगा आज, मसीह लोगों ने भी उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दिल दुखाया, उसके विरोध में काम किया, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? और जिसके चलते लिखा है 2 इतिहास 7:13, मेरे साथ बने रहिएगा आप जितने भी 16, 17, 16 का भी देख रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। लिखा है कम से कम 3 प्लेटफॉर्म से आप मुझे देख रहे हैं, बने रहिएगा। फेसबुक वालों से कहना चाहता हूं, शेयर 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 जितना हो सकता है शेयर करिए, जितनी तादाद में हो सकता है शेयर करिए, चुप नहीं बैठना। 2 इतिहास 7:13 कहता है, यदि मैं आकाश को बंद करूं और की वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश पर उजाड़ने की आज्ञा दूं, अब इसको देखो, और अपनी प्रजा पर मरी फैलाऊं, महामारी मरी प्लेग अपनी प्रजा पर मरी फैलाऊं, क्योंकि महामारी आज क्यों फैली है उसका जवाब पद 14 में। तो इसका अगला वचन कहता है, देखिएगा इसका अगला वचन 2 इतिहास 7:14 कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप, ये देख लो लिखा है ना, पाप क्षमा करूंगा। तो मरी क्यों फैली है साहब महाराष्ट्र में? पाप। कौन सा पाप? मोदी नहीं बताएगा यह बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे बात, आपके देश के, आपके राज्य के सीएम नहीं बताएंगे यह बात कि यह शहर में जैसा पाप हुआ था जिसके चलते ये बातें हुई है। ये वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रचार कर रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मास्क पहनो वो भी डबल, कोई दिक्कत नहीं, हाथ सैनिटाइज करो, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे के साथ ज्यादा मत मिलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असली वजह ये नहीं बता सकते, ना साइंटिस्ट, ना डॉक्टर, ना पुलिस और ना राजनेता, लेकिन यह सच्चाई कौन बता सकते हैं? उस वक्त में यशाया था, उस वक्त में दानियल था, उस वक्त में यरमिया, यजकेल और ऐसे प्रॉफिट और मूसा, अब्राहम जैसे लोग, और यीशु के टाइम पे यीशु था, पत्रस था, जॉन द बैप्टिस्ट था, आज हम जैसे 10% लोग जो आपको बता रहे हैं कि शहर बचेगा नहीं अगर पाप से तौबा नहीं किया। तो जिसके चलते लिखा है कि क्या शहर में, संसार में और मसीह समाज में अधोम सदोम और अमोरा की तरह पाप घुस चुका है, तो ये रहा उसका जवाब कि जी हां, अगर तुम तौबा करोगे, अगर तुम तौबा करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत की बात यहां है कि आज तौबा नहीं हो रहा है, और जिसके चलते मैं समझ रहा हूं कि पाप के बाद पाप होता चला जा रहा है, और ऐसे ऐसे पाप के आप सोच नहीं सकते, भयंकर, मैं अगर उसमें घुसूं तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम चला जाएगा, ऐसे ऐसे पाप, और जिसके चलते मैं सबको कहना चाहता हूं, मसीह समाज और गैर मसीह समाज, इसको देखिए याकूब 1:15 क्या लिखा है, लिखा है फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, किसको जनती है? पाप को जनती है। पाप जब बढ़ जाता है तो क्या करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु फैलाता है।
माय गुडनेस, आपको पता है ना अभी क्या दिक्कत है, दूसरी लहर, कोरोना वायरस का दूसरी लहर, तीसरा लहर का नहीं पता क्या होगा, दूसरी लहर में क्या है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, सरकारों के पास में इसकी महामारी है और हॉस्पिटल्स में महामारी है, लोग सड़क पे गिरकर मर जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसमें अच्छे अच्छों की जिनकी मसल है वो, जिसकी नहीं है वो, जिसके पास पैसा है वो, जिसके पास नहीं है वो, अमीर गरीब करोड़पति करोड़पति सब खत्म हो रहा है। कितनी मौतें हो रही हैं न्यूज के हिसाब से, जो डेटा इनको जमा करके दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कितने मर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई थी, अप्रैल 12 तारीख या 11 तारीख को 800, अगले दिन 1000, उसके अगले दिन 1200, 1300, अभी क्या चल रहा है 3000, प्रतिदिन 3000 लोग मर रहे हैं सिर्फ भारत में। अब आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा आंकड़ा चलता रहा तो सोच के देखिए कि 135 या 136 करोड़ का भारत की आबादी, सोच के देखिए चुटकी में खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ 7.9 बिलियन 790 करोड़ का विश्व, इसका क्या होगा और कैसे मौतें होंगी, आप सोच के देखिए, और महामारी फैलती जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि मेरा मैसेज इस वक्त में कौन कौन देख रहा है, और मुझे रिक्वेस्ट है, मेरा कोई हिंदू भाई, मेरा कोई मुस्लिम भाई, जैन, पारसी, आदिवासी या ईसाई, कोई भी, इसको जितना फैला सकते हो इस शब्द को फैलाओ कि पृथ्वी पे एक परमेश्वर ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है वो ईश्वर, इस व्यक्ति के द्वारा एक मैसेज आप तक पहुंचा रहा है कि जब तक तुम पाप से नहीं छूटोगे, तौबा नहीं करोगे अपने गुनाहों से, और क्या क्या पाप है मैं रखूंगा इन सब से, जब तक तुम तौबा नहीं करोगे मृत्यु फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। पास्टर डेनियल, 2 साल पहले भी तो पाप था, तब क्यों नहीं फैला, पाप का गड़ा भर गया ना दोस्त, 2 साल पहले भी पाप था तब क्यों नहीं फैला, ऊपर बैठा परमेश्वर अपने बाइबल में क्या कहता है पता है, रोमी किताब में कहता है कि उसके धीरज को तुच्छ मत जानो, अगर वो शांत बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप को झेल रहा है, उसको पाप पसंद है, जी नहीं, उसको सब बर्दाश्त है लेकिन पाप बर्दाश्त नहीं है। तुम चर्च वाले तुम भी सुनो, तुम ईसाई हो तुम भी सुनो, और तुम जो गैर मसीह तुम भी सुनो, ऊपर बैठा परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा एक मैसेज आप तक पहुंचा रहा है कि जब तक पृथ्वी पे पाप चलता रहे रहेगा मृत्यु फैलता रहेगा। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। इसको देखिए साहब, ये औरत, ये औरत लिखा है सदोम और अमोरा, ये शहर, इस औरत के बारे में यीशु जब इस पृथ्वी पे थे। अब मसीह लोग तुम सुनो, पास्टर्स, बिशप, एवांजेलिस्ट, प्रोफेट, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, जो संगीत बजाते तुम, और जितने भी एवांजेलिस्ट हैं देश विदेश से, तुम सुनो, यीशु जब इस पृथ्वी पर था तो लूका की किताब उसका 17:32 में क्या कहा, जाते जाते उसने कहा सिर्फ इतना, कहता है लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी को याद रखो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ, रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ, इसका मतलब है इस औरत को याद रखो जो नमक का खंभा बन गई थी। प्रश्न है क्यों, यीशु ने ऐसा क्यों कहा और किसको कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा कि लूत की पत्नी को याद रखो। मैं मसीह समाज वालों से कहना चाहता हूं, इसकी इस औरत को याद रखो। ये औरत आज आपको कुछ सबक दे रही है, मुझे, आपको, सबको सबक दे रही है, और उन सभी को जो सदोम और अमोरा की तरह आप पाप का जीवन जी रहे हैं। यह शहर पाप में था, यह औरत पाप से भागना चाहिए था, पाप से दूर जाना चाहिए था, लेकिन ये पाप तो नहीं कर रही थी, लेकिन पाप को झेल भी रही थी, पाप को ले भी रही थी, देख भी रही थी, और उसके प्रति लिखा है कि लूत की पत्नी को याद रखो। ऐसा क्यों, ये शब्द क्यों रख रहा हूं, लूत की पत्नी, ये देख लो, लूत की पत्नी, लूत की पत्नी, जब वो घर से भाग रही थी तो वो ठीक थी, जब तक भाग रही थी वो ठीक थी, जब तक अपने पति दो बेटियों के साथ थी तब तक ठीक थी, जब तक उसके अंदर संसार के प्रति पीछे मुड़ने की बात नहीं आई तब तक ठीक थी, जब तक इसने बाइबल पढ़ा, प्रार्थना करा, तब तक ठीक थी, आज की भाषा में बात कर रहा हूं। लेकिन लिखा है कि जैसे ही पीछे मुड़ गई, जैसे ही पीछे मुड़ गई,
ये नमक का खंबा बन गए। लूका की किताब उसका 9:62 Luke 9:62 क्या कहता है देखो, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। नमक का खंबा क्यों? इसमें कुछ मैसेज है। ये नमक का खंबा क्यों? लकड़ी का क्यों नहीं, प्लास्टिक का क्यों नहीं, लोहे का क्यों नहीं, पत्थर का क्यों नहीं, नमक क्यों? आपको याद होगा कि इसी लूका के किताब के 14वें अध्याय में वचन 25, 26, 27, 28 में यीशु ने कहा था कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता, और जो चेला है वो जगत का नमक है, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो इसका मतलब है कि, बड़े ध्यान से सुनना, कनेक्शन दे रहा हूं, आज बहुत सारे लोग चेले तो हैं, नमक तो हैं, लेकिन स्वाद नहीं है, जिसके चलते लिखा है कि वो राज्य के योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में पास्टर तो हैं, बिशप तो हैं, एवेंजेलिस्ट हैं, प्रॉफिट हैं, वर्शिपर हैं, मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, नमक तो हैं लेकिन स्वाद नहीं है। दूसरे शब्दों में इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे कितने क्रिश्चियंस मसीह समाज आज दुनिया में जिनसे कोई राज्य को फायदा नहीं है, लिखा है राज्य के योग्य नहीं है। ऐसों को प्रभु क्या करेगा, ऐसों को प्रभु क्या करेगा? ये फोटो देख लो, ये फोटो देख लो, सदोम और अमोरा का पाप लिखा है। सदोम और अमोरा का पाप आज कलिसियाओं में घुस चुका है, घुस चुका है। मैं रिपीट करता हूं, सदोम और अमोरा का पाप आज कलिसियाओं में घुस चुका है। क्या इस बात से वाकिफ हैं आप? किस तरीके का पाप घुस चुका है? पास्टर डैनियल रख रहा हूं, जिसमें सबसे बड़ा पाप है चर्च व्यभिचार, चर्च मेंबर्स से लेकर सेवकों तक। सबसे बड़ा पाप कौन सा पाप? व्यभिचार, अडल्ट्री, नॉट आइडल्ट्री, अडल्ट्री, आइडल्ट्री में लाऊंगा अभी, अडल्ट्री, व्यभिचार। और लिखा है चर्च मेंबर से लेकर सेवकों तक, और जिसके चलते, मैं रखूंगा इसमें दूसरी बात, मैं आऊंगा इसके ऊपर, दूसरा सबसे बड़ा पाप, और दूसरा सबसे बड़ा पाप मूर्ति पूजा, तीसरा संसार, संसार का मतलब है पैसा, नशा, घमंड। और तब जाकर यह प्रश्न आज मैंने डाला है, मुझे कम से कम 3 महीने से के आसपास बहुत सारे फेसबुक पे पास्टर्स सेवक मर रहे हैं, ऐसी तस्वीर फेसबुक पे दिख रही है, व्हाट्सएप पे दिख रही है, मैसेंजर पे दिख रही है। क्यों? वो भी सेवकों का, खास करके सेवकों का। आज इतनी मृत्यु, कुर्सी को नजदीक करो, आज इतनी मृत्यु मसीह समाज में हो रही है। प्रश्न है क्यों? या प्रश्न है क्यों? और वो भी खास करके सेवकों का, नीचे देखिए, सेवकों का, ऐसा क्यों? मैं मुंबई के लोगों को पूछना चाहता हूं, नागपुर और पुणे और जितने भी विश्व के लोग हैं उन सबको पूछना चाहता हूं, आपका मृत्यु का कारण क्या है? कहीं सदोम और अमोरा, जिसको वहां का पाप कहते हैं, कहीं कलिसिया में तो नहीं घुस गया? और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई मुंबई का, नागपुर का, पुणे का, आपका, भारत का, विश्व का कोई पास्टर मना नहीं कर सकता कि यस, ये घुस चुका है, पाप घुस चुका है, मना नहीं कर सकते आप। और जिसके चलते सबसे बड़ा पाप है आज जो कलिसिया में, जो सदोम और गोमोरा में होता था, लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रहा है, इंसान जानवरों से शादी कर रहा है, और ऐसी व्यभिचार जिसको कभी नहीं सुना था इंसान के इतिहास में, ऐसी बातें जो चर्च में, जो समाज में होती है, संसार में होती है, वो चर्च में घुस गई, वो चर्च में घुस गई, वो चर्च में घुस गए। अब आप सोच के देखिए कैसी कैसी बातें, तलाक कॉमन है आजकल, शादी करते हैं एक हफ्ते में तलाक, शादी करते हैं एक दिन में तलाक, शादी करते हैं एक साल में तलाक, पति का चक्कर कहीं और, पत्नी का चक्कर कहीं और, लड़का लड़की जवान होते हैं 18, 20, 23 साल के, उनका चक्कर और, माँ बाप को कहते कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं, या फिर आपका कोई कोर्स में जा रहे हैं, लेकिन उनका घूमना बाहर, आपका मुंबई का मरीन ड्राइव किससे भरा पड़ा है? मुसलमानों, हिंदुओं और तुम जो ईसाइयों, सबको मैं बात कर रहा हूं, किससे भरा पड़ा है? यहां की पुलिस, इसको पूछो, यहां की सरकार, उनको पूछो कि मरीन ड्राइव किससे भरा पड़ा था आज से 2 साल पहले। तो ये तो माँ बाप खुश होंगे ना, माँ बाप तो खुश होंगे ना कि जब से ये वायरस फैला है सोशल डिस्टेंसिंग का, जब से कानून आ गया है, अब लड़की घर से बाहर नहीं जा रही, लड़का घर से बाहर नहीं जा रही, और न जाने कितने अबॉर्शंस कैंसिल हो गए, कितनी लड़कियां अबॉर्शन करती थी वो रद्द हो गए। पहला होता था
14 फरवरी वैलेंटाइन डे, फिर उसके बाद में आता था 15, फिर रिपोर्ट क्या आती थी, शी इज प्रेग्नेंट, तुम्हारी जवान लड़की प्रेग्नेंट है। ये क्या चक्कर था बताइए? जो जो वीडियोस को, जिसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस, जो छुप छुप के देखा जाता था, कभी कभी देखा जाता था, आजकल तो ऐसा है कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो की भरमार है, चाहे वो टिकटॉक हो या फिर कोई और जरिया। यस और नो? तो अब मुझे बताइए, चर्च में घुसा कि नहीं घुसा ये पाप? पास्टर की बेटी, पास्टर का बेटा, वर्शिपर, वर्शिपर जो भी लड़का लड़की, उन सब के अंदर ये व्यभिचार घुसा कि नहीं घुसा? अब बताइए, मौतें नहीं होंगी? मौत नहीं आएगा? पास्टर डैनियल कैसे किसी बीच में विचित्र प्राणी, अपने आप को पास्टर कहता है, मुंबई का, कहता है कि परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर माफ करता है, परमेश्वर सजा नहीं देता, और यूहन्ना 10:10 वो एक तरफा का सच है, लेकिन तुमने सिर्फ एक वचन को पढ़ा कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु यीशु आया जीवन देने। कॉन्टेक्स्ट पढ़ ले पास्टर, मुंबई का नाम यहां तक आ रहा है, लेकिन नहीं ले रहा हूं, तुमको बचा रहा हूं। सुधरो महाराष्ट्र के लोगों, सुधरो पंजाब के लोगों, सुधरो, प्रचार करने का तरीका बदलो, सही तरीके से प्रचार करो। तो वापस कहता हूं कि ऊपर बैठा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसका रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट आ गया। जब मैं 2 साल पहले जब ग्रेट कमीशन की बातों को करता था, जब डांट लगाता था, तो कहते हैं कि पास्टर डैनियल जजमेंटल हैं। अब बताइए, अब आया ना ऊपर वाला नीचे, अब डंडा उसके हाथ में आ चुका है, पास्टर्स मर रहे हैं, पास्टर्स एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ गुस्सा है कि कैसा जीवन जीकर चले गए। बीच में किसी ने पोस्ट डाला था, आज भी डाला था, ही हैज कंप्लीट हिज रेस। कहते हैं कि कोई पास्टर मर गया, कहते हैं कि ही हैज कंप्लीट द रेस, उसने अपनी दौड़ पूरी की है। अरे भाई, जब उसने दौड़ शुरू नहीं करी तो खत्म कहां से करी? फिर ऊपर से कहते हैं कि अभी वो प्रभु के साथ है, ही हैज शिफ्टेड टू द लॉर्ड, ही हैज शिफ्टेड टू द ग्लोरी। कैसी ग्लोरी, कैसा जगह, कैसा स्वर्ग, पाप का जीवन, व्यभिचार का जीवन, नशे का जीवन, लालच का जीवन जी के मरा है वो सेवक, और तुम कहते हो कि ही हैज शिफ्टेड टू द हिज ग्लोरी। कैसी झूठी तसल्ली, कैसा झूठा मजाक। और वापस कहता हूं, पहला तिस्लोनी के उसका पहला अध्याय वचन 10 कहता है कि आश्चर्य होगा, अंत के दिनों में आश्चर्य होगा, शौक लगेगा। चर्च में व्यभिचार, चर्च में व्यभिचार, मास्टर बीट, जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तमैथुन, जिसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस देखना, घर के अंदर, चर्च के अंदर, चर्च के बाहर, कॉलेज में, स्कूल में, ये सब खुलेआम चलता है। और फिर ऊपर से कहते हो कि प्रभु इस वायरस से बचा ले। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि बेटा मेरा सिस्टम तोड़ा है, भाड़ा टूटेगा, सांप डसेगा, फल खाएगा, मर जाएगा, तू दुष्ट आत्माओं को बुलाएगा, तेरा सत्यानाश कर देंगे, और पाप से छूट गया, यूहन्ना 5:14 पाप से छूट गया, लेकिन पाप फिर भी जी कर रहा है, तो तेरे ऊपर तो इससे भारी विपत्ति आएगी। सबसे बड़ा पाप व्यभिचार। दूसरा, मूर्ति पूजा, चर्च में रोजरी, मरियम की फोटो, संतों की फोटो, गले पे क्रूस, पॉकेट में फोटो, यीशु की फोटो, उसके ऊपर माला, कैंडल, उसके ऊपर मोमबत्ती। अब बताइए, ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है मैं जिंदा हूं, तुमने मुझे मूर्ति क्यों बना दिया। ऐसे पाप। तीसरा, संसार घुस गया। पैसा, नशा, घमंड, पिक्चर के गाने, शादियां होती है क्रिश्चियनों की तो डीजे बजता है, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ऐसे पिक्चर के गानों पे तुम्हारे बेटों और बेटियों की शादी होती है, तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर तुम खुद को ईसाई कहते हो, तुम खुद को पास्टर कहते हो, तुमको खुद को एवांजलिस्ट कहते हो, और पिक्चर के गाने पे डांस करते हो, ऊपर से तुम पैसे के लालची हो गए हो, रिपोर्ट एक जगह भेजना चाहिए तो दो दो तीन तीन जगह भेजते हो, चर्च की फोटो खींचते हो किसी और की मीटिंग की, अमेरिका भेजते हो, अफ्रीका भेजते हो, और वहां से पैसे कमाते हो, वायरस से नहीं मरोगे तो फिर क्या मरोगे? क्योंकि सिस्टम तोड़ा है तुमने, तुमने बाड़ा तोड़ा है। ये मैसेज कौन करेगा, ऐसा प्रचार कौन करेगा? और जब मैं ऐसा प्रचार करता हूं तो कुछ माइकल टाइप के लोग हैं जो यूट्यूब पे कहते हैं कि डैनियल राज ने खुलेआम प्रचार करा, उनको सिस्टम नहीं पता, वे विचार के बारे में कंट्रोल में बात करे, तू होता कौन है बोलने वाला? हद होती है साहब। नशा, सेवकों को दारू पीते पकड़ा गया, रम, विस्की, बियर, जिसको कहते हैं वाइन, ऐसी नशा करते हुए, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू चर्च में चल रहा है। तो मुझे बताइए, मौत नहीं होगी तो क्या होगी?
तुम फेसबुक पे आते हो, पिक्चर का गाना गाते हो, क्रिश्चियन कहते हो खुद को, कि पिक्चर का गाना गाते हो खुद को क्रिश्चियन कहते हो, संसारी घुस गई है। इसलिए लिखा है ना कि संसार घुस गया चर्च में तो ऊपर बैठा परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेगा। कम से कम 1800 लोग अभी देख रहे हैं। मैं उन सब को कहना चाहता हूं, अपने अंदर झांको। ये आदमी जो आपसे बात कर रहा है, जिसका नाम है डैनियल राज, आपसे बात कर रहा है और पूछ रहा है कि तुमको डर है ना, तो ये डर आना चाहिए। और मैं कहता हूं डरो, इस वायरस से आपको डरना चाहिए, इस कोरोना वायरस से तुमको डर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम पाप की जिंदगी जी रहे हो, धोखा तुम सबको दे रहे हो, पत्नी को, पति को, मां बाप को, बच्चों को, बॉस को, पार्टनर को, इसको, उसको, समाज को, परमेश्वर को, सबको धोखा दे रहे हो। और ऊपर से कहते हो तसल्ली के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम जो हैं प्रभु से माफी मांगेंगे, परमेश्वर हमको, प्रभु कहता है कि बेटा माफी, पश्चाताप एक ही चीज के लिए, तेरे पापों के लिए। और जिसके चलते लिखा है कि आज क्यों इतनी मृत्यु मसीह समाज में हो रही है, और खास करके सेवक लोग, पास्टर के बाद पास्टर मर रहा है। गुजरात से एक आदमी का कॉल आया था, नाम नहीं बताऊंगा, वो कहते हैं कि यहां पर 500 पास्टर मर गए कुछ ही हफ्तों में, महीनों में 500 पास्टर मर गए। हालत तो यह है कि पास्टर दूसरे पास्टर की मैयत पे नहीं जा रहा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं उसको वायरस ना हो जाए। वाह, मुझे नहीं पता कि कौन सा पास्टर मुझे अभी सुन रहा है और कौन सा पास्टर मुझे आगे जाकर सुनने वाला है। आज मसीह समाज को डरना होगा, आज मसीह समाज को डरना होगा अपने पाप के रिश्ते के कारण, अपने पाप के रिश्ते के कारण। वायरस से डरो, मसीह समाज डरो, मसीह समाज से बात कर रहा हूं, डरो। संसार के लोगों से तो कहूंगा डरो, लेकिन सबसे पहले मसीह समाज से कहूंगा डरो। पास्टर्स, अपने लव अफेयर्स बंद करिए, अपने लव अफेयर्स बंद करिए, नहीं तो मृत्यु दरवाजे पे। प्रीचर्स, अपने लव अफेयर्स बंद करिए, नहीं तो मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है। वर्शिपर्स, अपने लव अफेयर्स बंद करिए, नहीं तो मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है। टीवी एवांजेलिस्ट, अपने लव अफेयर्स को बंद करिए, नहीं तो मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है। और चर्च के मेंबर्स, अपने लव अफेयर्स को बंद करिए, नहीं तो मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है। अब बताइए, ये सब अगर तुम सदोम और गोमोरा की तरह ऐसे पाप में, जिसके चलते यीशु कहते हैं रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ, लूत की पत्नी को याद रखो, क्यों? और जिसके चलते पहला तिमोथी 5:19-20 क्या कहता है, देखिए, यदि कोई, लिखा है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो 2 या 3 गवाहों के उनको ना सुने, पाप करने वाले को, प्राचीन ब्रैकेट में प्राचीन, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है प्राचीन, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। इसी के चलते मैं सबके सामने प्रचार कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं, रख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, जितने भी पास्टर्स आपके अफेयर्स चल रहे हैं, शादी के बावजूद आपके अफेयर चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, औरत हो या पुरुष हो, दास हो या दासी हो, तुम छुप छुप के वीडियो देखते हो रात में, उल्टी सीधी बंद करो, तुम्हारे चक्कर हैं फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, बंद करो। लड़कियों की फोटो, वो भी नेकेड, ऐसे हरकतें बंद करो, नहीं तो मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है। प्रीचर्स, अपने लव अफेयर्स बंद करिए, नहीं तो मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है। वर्शिपर्स का तो गजब ढाया हुआ है साहब, वर्शिपर्स को मस्ती थी, अब इनकी मस्ती बंद हो गई है। मुझे खुशी है कि कम से कम 2 साल से ऐसा कोई कॉन्सर्ट जो 200-300-500 रुपए में ये टिकट बेच के अपना पॉकेट भरते थे, वो बंद हो चुका है। इनकी जो मस्ती चलती थी कॉन्सर्ट के नाम पे या वर्शिप की आड़ में, क्या कहते हैं उसको, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, वो बंद हो चुका है। इस बात की मुझे खुशी है, और ये बंद ही रहे तो बेहतर है, ताकि होश ठिकाने आए और ये, क्या कहते हैं ना, सांसारिक मजा लेने के बजाय परमेश्वर के लिए दुख उठाएं। जिसके चलते ये बातें करो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम वैसे भी मुझे नहीं सुनते हो, वो बात अलग है, लेकिन मुझ जैसे को नहीं सुनोगे तो आगे जाके परमेश्वर मुझ जैसे को और खड़ा करेगा। तब क्या करोगे, तुम्हारे बीच में से ही खड़ा करेगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बीच में से निकला था। टीवी एवांजलिस्ट बीच में मैंने पोस्ट देखा था रवि जकरिया का, ताज्जुब, टीवी एवांजलिस्ट रवि जकरिया, टीवी एवांजलिस्ट, उसके बीच में वीडियो देखी, ताज्जुब हो गया, कैसे वो, छोड़िए आपके हिल सॉन्ग्स जो बहुत नाम कमाए थे, उसके कुछ मेंबर्स संसार में वापस चले गए, यह सुनकर शॉकिंग।
ये सब बंद करना होगा चर्च के मेंबरों। जब चर्च के मेंबर क्या कहते हैं, जब पास्टर ऐसा करे तो हम क्या करें, वर्शिप लीडर ऐसा करे तो हम क्या करें, और जिसके चलते हम भी देखा देखी मंकी सी से मंकी डस, बंदर देखता है बंदर करता है, और जिसके चलते ये सब कुछ चल रहा है, बंद करना होगा। आपको इस महामारी से परमेश्वर आज इस आज का तारीख है 2 मई 2021 में ये मैसेज दे रहा है, डरो। मैं वापस कहता हूं, और ऐसे प्रचारक जो बकवास करते हैं ना कि आपको डरना नहीं है, परमेश्वर कहता है डरो, ये डर तुमको बचाएगा। बच्चे को बाप का डर उसको पढ़ाई करवाता है, बच्चे को बाप का डर उसको शिस्ता में रहना सिखाता है, डिसिप्लिन में, बच्चे को बाप का डर उसको आगे बढ़ाता है सच्चाई पे, ताकि वो बड़ा होकर अच्छा इंसान बन सके। वैसे ही ऊपर बैठा बाप और हम उसके बच्चे, ये डर आना बहुत जरूरी है। डरो, मैं वापस कहता हूं डरो, ये जो सिस्टम है दुनिया के लोगों, इस बात को लेके डरो। बैठो अपने घर में, पूछो ईश्वर से, पूछो तुम जो कुरान वाले अल्लाह कहते हो, तुम जो रामायण भगवत गीता ऋग्वेद पवित्र पुस्तकें और बाइबल ऊपर वाला कहते हो, पूछो उसको कि ये क्यों, पूछो उसको, नहीं तो तुम्हारी औलादें ऐसे ही मर जाएंगी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता, तुम्हारी मां, सब मर रहे हैं। डरो, वापस कहता हूं डरो चर्च, डरो, बैठो घर पे, पूछो प्रभु से क्यों। मेरा पिताजी, अभी किसने बीच में पोस्ट डाला था, मेरा पिताजी मर गया नागपुर में, मेरा पिताजी मर गया, पूछो परमेश्वर से ऐसा क्यों। डरो, किसने कहा मेरा दोस्त मर गया, पूछो ये क्यों मर गया, डरो। परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना।